गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम। कल आप लोगों ने देखा कि किस तरह से एनसीबी ने एक बड़ी कार्रवाई की है। एनसीबी द्वारा अंडरवर्ल्ड डॉन इब्राहिम दाऊद के भाई इकबाल कास्कर को कस्टडी में ले लिया गया है। वजह है टेरर फंडिंग और ड्रग सप्लाई में अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन, और उसी के चलते कल इकबाल कास्कर को कस्टडी में एनसीबी ने लिया है। कई जगह छापेमारी की है और कई ऐसे इनपुट्स मिले हैं जिसके चलते आने वाले दिनों में ड्रग सप्लायर्स की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ये खबर आ रही है और उसी के चलते ये खबर आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। टेरर फंडिंग और ड्रग सप्लाई में अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन, 2017 से ठाणे जेल में एक्सटॉर्शन के चलते बंद था इकबाल कास्कर, लेकिन अब एनसीबी ने कस्टडी ले ली है। ये खबर आ रही है और उसी के चलते ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, क्योंकि आने वाले दिनों में इस मामले में कई और धरपकड़ हो सकती है। ये खबर आ रही है क्योंकि इकबाल कास्कर का कनेक्शन अंडरवर्ल्ड से है, डायरेक्ट कनेक्शन है, ये आप लोग जानते हैं, क्योंकि इब्राहिम दाऊद इब्राहिम का भाई है इकबाल कास्कर। तो फिलहाल इकबाल कास्कर पर इतनी एक खबर, कुछ और खबरों के साथ फिर जुड़ूंगा।